वेलकम टू द ग्लोरियस सिंप्लीफिकेशन। यूं तो ये कैटेगरी का विभाजन, प्रश्नों की प्रकृति की कैटेगरी का विभाजन सभी विषयों में काम करेगा, लेकिन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में इसका रोल बहुत ज़्यादा है। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ जो पुराने पेपर हैं उनसे इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को मैच करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा प्रश्न किस कैटेगरी का है और अब परीक्षा में वो किस तरह से पूछा जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी ये समझ डेवलप हो सके कि कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कर सकते हैं और कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में करने की बजाय सेकंड राउंड के लिए बचाकर परीक्षा में रखना चाहिए, ताकि उन पर सोचा जा सके। ये आपको समझ बनानी होगी। जहाँ तक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सवाल है, तो इसके सभी प्रश्नों को आप 5 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इन्हीं 5 कैटेगरीज से प्रश्न आते हैं। अगर हमारे प्रश्नों की संख्या 30 है और कैटेगरीज की संख्या 5 है, तो आप ये मानकर चलिए कि हर कैटेगरी से कम 6 प्रश्न तो आते ही होंगे। सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी तथ्यात्मक की। ये बहुत आसान किस्म के प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इन प्रश्नों में सिर्फ आपकी याददाश्त की परीक्षा होती है, आपकी मेमोरी की जांच होती है। परीक्षक आपको प्रश्न दे देता है और उस प्रश्न में आपको 4 विभिन्न तथ्य दे देता है। उन तथ्यों में से आपको एक तथ्य जो सटीक होता है उसे चुनना होता है। या ये हो सकता है कि परीक्षक आपको 4 तथ्य दे दे और आपसे कहे कि इसमें से गलत तथ्य को चुनिए। ये भी हो सकता है कि परीक्षक आपसे ये कहे कि दिए गए तथ्यों में से उन सभी तथ्यों को चुनिए जो सत्य हैं। तो वहाँ आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन चुनने होते हैं, जैसे ABC, ये ऑप्शन 1 हो गया, ABCD ऑप्शन 2 हो गया, सिर्फ A ऑप्शन 3 हो गया, इस तरह से। ऐसे प्रश्नों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती और ये प्रश्न आप अपने एग्ज़ाम देने के पहले राउंड में ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर याददाश्त आपका साथ दे रही है तो। दूसरी कैटेगरी के प्रश्न जो होते हैं उन्हें हम कंसेप्चुअल कहते हैं या अवधारणात्मक कहते हैं। इन प्रश्नों का वेटेज पहले उतना नहीं था, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछे जाते थे, यानी जिसमें आपको लंबे उत्तर देने होते हैं। लेकिन अब दिनों दिन चूंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अब अवधारणात्मक प्रश्नों का वेटेज भी इस ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर बढ़ रहा है। इसमें आपको कोई अवधारणा दी जा सकती है और उस अवधारणा के आधार पर आपसे सवाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पढ़ रखा है, तो बुद्धि परीक्षक आपसे ये अपेक्षा करेगा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की समझ आप में 360 डिग्री के नज़रिए से है। आप उसके सभी पक्षों से परिचित हैं, आपको ये पता है कि उस बुद्धि के सिद्धांत में क्या कमजोरियां हैं, क्या सकारात्मक पक्ष हैं। ये कहलाता है अवधारणात्मक ज्ञान। इस अवधारणात्मक ज्ञान में आपकी ओवरऑल चेकिंग हो जाती है। इसमें आपकी बुद्धि की परीक्षा तो होती ही होती है, साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता की परीक्षा भी हो जाती है। वैसे पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता की ही जांच है। कंसेप्चुअल प्रश्नों का वेटेज चूंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए हमें अब शिक्षा शास्त्र की सभी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये थोड़ा आपके लिए नया सब्जेक्ट है या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की भाषा आपको गाइड से समझ में नहीं आती, तो बेहतर रास्ता ये है कि आप सरल भाषा में लिखी हुई चीज़ें रेफ़र करें। जैसे इग्नू के नोट्स हैं, वो काफ़ी सरल भाषा में होते हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं 2 या 3 बार, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपनी मूल किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि 11वीं 12वीं की जो साइकोलॉजी दी हुई है उसको पढ़ सकते हैं। ये दूसरी कैटेगरी थी और अब इसका वेटेज बढ़ रहा है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तीसरी कैटेगरी और है जिसके प्रश्न बहुधा पूछ लिए जाते हैं, उसे हम कह सकते हैं तुलनात्मक या विभेदात्मक। इसमें परीक्षक 2 विभिन्न तथ्यों को या 2 समूहों में तथ्यों को दे देता है और हमसे तुलना करने को कहा जाता है, या ये कहा जा सकता है कि अंतर क्या है या समानताएँ क्या है। इन तुलनात्मक या विविधात्मक प्रश्नों के अंदर संपूर्ण जानकारी के साथ साथ वही वापस प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है। आपको सभी तथ्यों की जानकारी भरपूर होनी चाहिए और आपको कंसेप्ट की जानकारी भी होनी चाहिए। मतलब प्रथम 2 कैटेगरीज जो थी, तथ्यात्मक और अवधारणात्मक, उन दोनों का सम्मिलित प्रयोग इस विविधात्मक या तुलनात्मक में हो जाता है। यहाँ इस तरह के प्रश्नों की संख्या अब बढ़ रही है। आप रीट 2018 का पेपर उठाकर देखेंगे और इससे पहले के RTET देखेंगे या CTET का अभी का पेपर देखेंगे पिछले साल का, तो आपको ये समझ में आएगा कि शुरू में इसके प्रश्नों की संख्या सीमित थी, फिर धीरे 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 अब इस तरह के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। एक और श्रेणी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल या कल्पनात्मक। कल्पनात्मक श्रेणी में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में आपको पूर्व से कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन आप उन कंसेप्ट से परिचित होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बुद्धि का बहुकारक या द्विकारक सिद्धांत है, जो भी सिद्धांत हैं इनके बारे में आप परिचित हैं। बुद्धि को मापा कैसे जाता है इसके बारे में आप परिचित हैं, आपने किताबों में पढ़ा है, ये अपेक्षा परीक्षक आपसे करता है। अब वो क्या करेगा, इसके आधार पर कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाएगा, कोई कल्पना करेगा और वो कल्पना आपके सामने रख देगा। उस कल्पना में दिए गए तथ्यों के आधार पर आपको डिसीजन लेना है। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम उस कल्पना को भूल जाते हैं और हम से अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन लेने लग जाते हैं, यही वजह है कि हमारे ऑप्शन गलत चले जाते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए परीक्षक आपसे पूछता है कि मान लीजिए आप कक्षा 6 के कक्षा अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र जो पहले बहुत होशियार था अब सुस्त सुस्त बैठा रहता है, अधिक बोलता नहीं है, गृह कार्य भी पूरा नहीं करता है, एक कक्षा अध्यापक होने के नाते निम्न में आप ये बताइए कि निम्न में से क्या कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। अब ये एक ऐसी स्थिति है जो अचानक से आपके सामने आई है। अब आप इसमें बहुत सारे कारक चूँकि हम जानते हैं, उसके पारिवारिक कारण हो सकते हैं, वैयक्तिक कारण हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो बच्चा एक अचानक से डिस्टर्ब हो सकता है, कोई बहुत बड़ा झटका उसे हो सकता है लगा हुआ, उस वजह से सोशल रीज़न होते हैं, कारण कई तरह के हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही ये स्थिति आती है और अगर वो स्थिति हमसे मैच हो गई, यानी हमारे साथ या हमारे किसी रिश्तेदार के साथ मान लो कभी ऐसा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं वो तथ्य भूल जाते हैं कि हमने बहुत सारे कारण पड़े, हम सीधा उससे खुद को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके पापा की डेथ हुई थी इसलिए वो डिस्टर्ब हुआ, तो आप तुरंत उसमें पारिवारिक कारण ऐड कर देते हैं। यही गलती है। आपको स्वयं के अनुभवों को, इस तरह के जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उनको स्वयं के अनुभवों से अलग रखना है। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है परीक्षा के अंदर और उसके बाद दिए गए तथ्यों के आधार पर सोचना है। कल्पनात्मक प्रश्नों का जहाँ तक मामला है तो आपने देखा होगा कि जब भी परीक्षा होती है और की जारी होती है तो की लेट जारी क्यों होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो हाइपोथेटिकल होते हैं, इसमें फैकल्टीज़ को, काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि आंसर ए सही है या बी सही है, सी सही है या डी सही है, क्योंकि सारे ऑप्शन उन्हें राइट महसूस होने लगते हैं। वो राइट क्यों महसूस होते हैं इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन से वो जुड़े हुए रहते हैं। जिसके जीवन से जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको महसूस होता है कि बस यही सत्य है, बाकी नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म के प्रश्न होते हैं जो इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। दिखने में आपको बड़े सॉबर और बहुत सरल लगते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सबसे डेंजरस प्रश्न है। इनका वेटेज शिक्षा शास्त्र में ज़्यादा है, अन्य विषयों में तो इतना नहीं है, लेकिन शिक्षा शास्त्र और बाल विकास में इस तरह के प्रश्नों का वेटेज अब बढ़ता जा रहा है। आपको इन प्रश्नों के प्रति सचेत रहना होगा और अगर आप कोई पुराने पेपर सॉल्व करते हो या मैच करते हो तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि पूरे पेपर में से ऐसे प्रश्न कितने आए हैं, उनकी संख्या 2 है 3 है 4 है कितनी है, तो उससे आप थोड़ी से कम्फर्ट जोन में आ जाएंगे। एक और अंतिम श्रेणी है जो बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल या व्यावहारिक। ये व्यवहारिकता वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप दी गई स्थिति के अनुसार बड़ा व्यवहारिक सा डिसीजन लें। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं, अचानक आपकी कक्षा में 2 छात्र आपस में लड़ने लगते हैं, ऐसी स्थिति में आपका प्रथम कदम क्या होगा, क्या होना चाहिए। अब ये बहुत व्यवहारिकता वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर किसी तरह की कोई थियोरी वगैरह नहीं है। आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना होता है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जिसे अगर मैं अपनाऊं तो दोनों ही बालक को ऐसा न लगे कि मैंने किसी का साथ दिया है, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि सर जो हैं सर निष्पक्ष रहे, या दोनों को ऐसा लगना चाहिए कि सर ने हम दोनों का साथ दिया, ताकि उनके दिलो दिमाग में आपके प्रति गलतफहमी न आए। इसके साथ साथ इस व्यवहारिक दृष्टिकोण में आपको ये भी सोचना होता है कि समस्या का त्वरित निवारण करने के साथ साथ ये भी कोशिश हो कि समस्या का समूल निवारण हो जाए। मतलब ये है कि आप ऐसा विकल्प चुनें जो तुरंत समस्या को ख़त्म कर दे, उससे बेटर ये है कि आप ऐसा विकल्प चुनें जो तुरंत के साथ साथ समस्या को जड़ से ही मिटा दे, ताकि वो समस्या वापस से पैदा ही ना हो। ये व्यवहारिकता की जाँच की डिमांड करते हैं, व्यवहारिकता को जाँचते हैं, और अब दिनों दिन इस कैटेगरी के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है ये विभाजन जो आपने अभी देखा ये शायद आपके परीक्षा में थोड़ी बहुत भूमिका निभाएगा और हो सकता है आपकी मदद करे। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है कोई तो आप कमेंट सेक्शन खुला है उसमें कमेंट छोड़ दीजिए, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जय हिंद।